हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ एक नया डिजाइन का डोरमेट। तो इसके लिए मैंने दो कलर का ऊन ले ली है और 10 नंबर की सलाई। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ कि कैसे बनेंगे। मैं ऊन से बना के बता रही हूँ, आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकती हैं। तो चलिए देखिए, सिलाई में एक नोट लगा ली हूँ मैं। एक फंदे से मैं बना के बताऊँ तो देखिए, एक फंदे मैंने डाल ली है नोट। अब इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से सिलाई पे एंटे मार के और फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे। तो 11 फंदे में बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से फंदे इसमें बढ़ेंगे। पांच फंदे हो गए हैं, 6 फंदे और मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये फंदे बढ़ेंगे। देखिए 11 फंदे इसमें हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ से मैं दूसरी कलर लगाऊंगी। देखिए 5 फंदे हो गए, अब एक फंदे हम ये रेड से लगा बुन लेंगे, फिर 5 फंदे हम व्हाइट से बुन लेंगे। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो अब फिर से हम फंदे इसमें बढ़ाएंगे, फिर उसी तरीके से हम इसमें भी बढ़ाएंगे और सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है। और फंदे हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे। अब एक फंदा था, अब 2 फंदे हो जाएंगे इसमें। इस तरीके से हम 2 फंदे इसमें, सॉरी 3 फंदे हो गए। अब जो फंदे हैं वो व्हाइट से बनेंगे। देखिए 3 फंदे हो गए हैं। तो यहाँ भी जिस तरह से मैं ये बनाई हूँ उसी तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे। तो 11 फंदे यहाँ भी होना चाहिए। तो एक एक फंदे हम साइड से बढ़ाते जाएंगे और इसमें हम ये डालते जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ 11 फंदे होने तक। देखिए मैंने बना लिया, 11 फंदे बीच में हो गए हैं और साइड साइड में 5-5 फंदे बचे हुए हैं। तो अब देखिए क्या करना है, फंदा हम अभी भी बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब क्या करना है, 5 फंदे हम इसमें से भी बुनेंगे। इस तरीके से हम 5 फंदे इसमें से भी बुन लेंगे और जो ये एक फंदे हैं इसे हम रेड से बुनेंगे और फिर हम 5 फंदे बुन लेंगे।
और 5 फंदे ये वाले लेंगे। सीधी साइड से जो जैसा कलर उसी कलर से तो इसी तरह से हमें बनाना है। ये जो मैं बनाई हूँ इसी तरीके से ये बन गया है। अब दो और हमें बनाने हैं, ये दो बन गए हैं और दो और बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से बनेंगे, एक एक फंदे हम साइड से बढ़ाते जाएंगे और इसमें हम रेड से मिलाते जाएंगे। तो बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना लिया, 1, 2, 3 ये चौथा बन रहे हैं। तो इसमें मैं डिजाइन डालूँगी तो इसीलिए मैंने इतना ही बनाया है। तो देखिए इसमें फिर से हम देखिए 3 फंदे इस साइड है, 3 फंदे इस साइड है, तो एक फंदे हम ये वाइट वाले हम बना लेंगे। देखिए 3 फंदे इस साइड है तो 3 फंदे हम इस साइड बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 तीन हो गए। और बीच में ये जो ये आता गया है इसी तरह से हम इसमें डिजाइन डालेंगे और बाकी फंदे को हम वैसे ही बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3 तो बन गए हैं। ये मिडिल का बीच का जो डिजाइन है इसे हमें अलग से बनाना है, तो इसी तरह से बनेंगे लेकिन बीच में हमें ये व्हाइट वाली भी डिजाइन डालनी है। और ये आधे आधे बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, ये बीच का रहेगा। तो इसी तरह से मैं बना कर दिखाती हूँ कि कैसे है। फंदे कितने बढ़ गए हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 41 फंदे इसमें हैं, टोटल 41 फंदे हैं। अभी और बढ़ाएंगे तो इसी तरह से हम जितना बड़ा बना सकते हैं आप उतना ही इसमें फंदा बढ़ेगा। तो मैं छोटा ही बना रही हूँ फिर भी 41 फंदे का है। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर मैं उल्टे साइड आ गई, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये एक फंदा जो है ये हम रेड से बना लेंगे और रेड वाले जो है वो वाइट से बना लेंगे इस तरीके से। ये 3 फंदा के 3 फंदा ही रहेंगे और ये से हम बना लेंगे। तो ये 3 हो गए, इसी तरह से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे इसमें और डिजाइन बनती रहेगी। तो बुन लेती हूँ मैं एक सिलाई सीधी साइड से और इतना ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फिर से आप 2 फंदे और बढ़ाने हैं, तो ये 3 के 3 रहेंगे रेड वाले और वाइट वाले 5 हो जाएंगे। अब हम कोई फंदा इसमें नहीं बढ़ाएंगे, अब हमें फंदा कम करना है। देखिए ये बन गए, अब हम फंदा कम करेंगे। तो फंदा हम दोनों साइड से ही कम करेंगे, जिस तरह से हम बढ़ाए हैं उसी तरह से हम कम करेंगे। तो 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से और बुनते हुए डिजाइन तक जाएंगे। और सीधी साइड है तो जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फिर से उल्टी साइड आ गए, तो एक फंदा फिर से हम कम करेंगे, यहाँ दोनों साइड से एक एक फंदा कम होगी
और डिजाइन के पास भी फंदे कम होते जाएंगे। कहीं होते हैं देखिए, देखिए यहाँ पे मैं पहले वाइट वाली रेड से बुन रही थी, अब वाइट वाली से रेड को बुनूंगी तो ये फंदे कम होते जाएंगे। अब ये एक फंदे, ये दो फंदे और इसमें से हम एक फंदे ले लेंगे तो ये तीन फंदे के तीन फंदे हो गए और ये तीन फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन। अब ये रेड से बुन लूँगी, एक दो तीन, तो इसी तरह से ये फंदे कम होते जाएंगे दोनों साइड से और डिजाइन बनती जाएगी इसी तरीके से। देखिए फिर से एक फंदा हम कम कर रहे हैं सीधी साइड से और फिर जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए फिर से एक फंदा कम कर रहे हैं तो हर सिलाई में एक एक फंदा कम होते जाएगा। देखिए फिर से एक फंदा कम हो गया इसमें, और एक फंदा इसमें से ले ली, अब बीच का एक फंदा बच जाएगा, वो सेंटर का फंदा है। तो इसी तरह से ये कंप्लीट होगी बनके। तो बुन लेती हूँ फिर एक सिलाई सीधी साइड से बुन के फिर दिखाते हैं। देखिए फिर से मैं एक फंदे इसमें से बुन लूँगी, अब ये सारे रेड हो जाएंगे। पांच फंदे रह गए हैं, फिर एक सिलाई बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये एक दो तीन फंदे, ये तीन फंदे बुन लेती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गई है। तो अब क्या करना है, अब जैसे मैं ये बनाई हूँ वैसे ही आप नीचे की साइड बनाएंगे। ये जैसे मैं दो तीन बनाई हूँ वैसे ही तीन आप बनाना है। तो कैसे बनाना है देखिए, पांच फंदे हम इस साइड से ले लेंगे, पांच फंदे इस साइड से, तो अब बीच का सेंटर का एक फंदा है तो 11 फंदे हो जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11। अब क्या करना है, अब यहीं से फिर से हम सफ़ेद धागा लगा लेंगे और बुनते हुए चले जाएंगे और फंदा हमें लास्ट तक कम करना है। जैसे मैंने एक फंदे से शुरुआत करी थी उसी तरह से हमें एक फंदे पे लाके इसे बंद करना है। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुन लेना है। तो मैं बुन लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बनेंगे तो सीधी साइड बना लेती हूँ फिर। अब देखिए फिर से, अब फिर से हम एक एक फंदा ये रेड वाले वाइट से बुनते जाएंगे दोनों साइड से, तो ये फंदे कम होते जाएंगे तो वो डिजाइन बनती चली जाएगी। देखिए ये फंदे एक एक करके कम होते चले जाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ एक लाइन फिर दिखाती हूँ। देखिए फिर से हम एक फंदा इसमें से बुन लेंगे और बाकी हम रेड से बुन लेंगे। तो इसी तरह से ये कली कम होती जाएगी फंदे। तो मैं बुन लेती हूँ फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। समझ में आ गया होगा आप लोग को, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
देखिए तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ, ये तीन बना लेती हूँ, ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये लास्ट वाली है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे काम। तो देखिए अब क्या करना है, अब हम रेड से ही बुनेंगे और फंदा तो कम होते ही जाएगा। दोनों साइड से हम फंदा कम करते जाएंगे और इसे बुनते जाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ तक मैंने बना लिया है ये, अब ये हिस्सा बनेगी। तो देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से हम फंदे कम करते जाएंगे और ये बुनते जाएंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ये बुनता चले जाएंगे और फंदा दोनों साइड से एक फंदा हम कम करते जाएंगे, तो ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा। एक फंदे से शुरुआत करी थी तो एक फंदे में आके ये बंध जाएगी। देखिए अब एक फंदे पे आ गए, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंदे ये फंदे कम हो गए। तो देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से धागा को कट कर देंगे। देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गया। ये फंदा ऐसे हम कुर्सी ऐसे इस तरह से अंदर कर देंगे। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है।